should have to be between Part-3 or Chapter-5. Chapter-5 is formatting in MS Word. In the previous video, we have already start our Chapter-5 and discuss about Chapter-5. In the first video and second video, we will continue and we will discuss about Chapter-5 introduction, formatting, introduction of formatting, changing font style and color, changing font color, making bold text, bold italic and underline. Now, today we will discuss about Part-3. Topic is mini toolbar. The mini toolbar contains commonly used formatting commands at the home tab. It appears when you select the text in the document area. It is used to make changes in your document quickly. To use the mini toolbar, follow the given steps. The mini toolbar contains commonly used formatting commands of home tab. Mini toolbar क्या करता है? Mini toolbar contains commonly used formatting toolbar को ये contain करता है. From the home tab से it appears when you select text in the document area. आप document area से text को select कीजिए. It is used to make changes in your document quickly. ये document को बहुत ही जल्दी से आसानी से चेंज कर सकता है. To use the mini toolbar, follow the given steps. To use the mini toolbar, follow the given steps. Step first, select the text. Step second, move the mouse over the toolbar and you select the appropriate command. जिस command को आप choose करना चाहते हैं, उस command को choose कीजिए. इसमें क्या होता है? देखिए आपके इसमें दिया हुआ है यहाँ पर A sentence has two parts, subject and predicates. आपका क्या होता है? इसमें दो पार्ट होता है, select the text, select the command. ये देखिए, आप क्या दिया है? आप ये बुक में देखिए दिया गया है. यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट को पहले क्या किए? Select किए. Select करने के बाद एक तरफ देखिए आपको कमांड दिख रहा है subject. ये ने आपने select किया इस टेक्स्ट मेथड को. ये क्या है? सेलेक्ट टेक्स्ट. ये क्या है आपका? सेलेक्ट कमांड. और इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? इफ यू डू नॉट यूज द मिनी टूलबार इज डिसअपीयर. आप उसे डिसअपीयर भी कर सकते हैं. और यदि कमांड को यहाँ से यूज करना है, अंडरलाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है, जो भी कुछ आपको यूज करना है, यहाँ से बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं. मिनी टूलबार में थोड़े बहुत कमांड उसके अंदर होते हैं जिसका यूज आप क्विकली कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है चेंजिंग केस. नेक्स्ट क्या नाम है? चेंजिंग केस. इमेजिन दैट यू हैड टाइप टू एन एंटायर पेज इज अ स्मॉल लेटर एंड नाउ यू वांट टू कंटेंट ऑफ दिस पेज इन कैपिटल लेटर. यदि आप सारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं और आप इसे कैपिटल लेटर करना चाहते हैं, यू विल जस्ट हैड टू यूज द चेंज के जॉब्स. आप क्या करेंगे? आप तुरंत चेंज के हिसाब से का यूज करेंगे. अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर. देयर आर फाइव चेंज केस ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016. फाइव चेंज केस होता है. फर्स्ट सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस. सेंटेंस केस में क्या होता है? सेंटेंस केस जैसे फर्स्ट क्या है? ये सेंटेंस केस है आपका. फर्स्ट कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है. लोअर केस क्या है? ये आपका ये जो देख रहे हैं ये लोअर केस है. इसके बाद अपर क्या केस क्या होता है? अपर केस में सारे लेटर क्या होते हैं आपके? अपर होते हैं. सारे लेटर जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं. कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक वर्ड कैपिटल होता है, उसके बाद सारे वर्ड के जैसे इसमें ये है ये कैपिटल है, फिर ये कैपिटल है, फिर इसके आगे जो लिखे वो कैपिटल है. तो क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ड में अगर हम कैपिटल लिखे तो वो कैपिटलाइज ईच वर्ड बोला जाता है. टोगल में क्या होता है? टोगल में फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल.
चैप्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं टोटल केस। आपके बुक में पेज नंबर 63 में सारे चेंज केस ऑप्शंस और इफेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट सब दिए गए हैं। टू अप्लाई द चेंज केस ऑप्शन, इसे अप्लाई कैसे करेंगे, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी जिसके केस को चेंज करना है। स्टेप टू सेलेक्ट बुक टैब। स्टेप थ्री क्लिक चेंज केस फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, हम फॉन्ट ग्रुप से उसे चूज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ बुक में है, इस केस को हमें चेंज करना है तो हम इस एरिया को पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चेंज केस ऑप्शन से हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ये देखिए यहाँ चेंज केस ऑप्शन है, सेंटेंस है, लोअर है, अपर, कैपिटलाइजेशन, टोटल है, जिसे मुझे चूज करना है हम उसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और सेलेक्ट करते ही मेरा वो केस चेंज हो जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर टुडे इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू ऑफ